हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत हेयर एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट ओला। हमारे इंटरव्यू सीरीज में इस वीडियो में मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है आज एक आईआईटीएन स्टूडेंट को जो अभी आईआईटी भुवनेश्वर में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं और लेकिन साथ में उन्होंने एमएसटीसीटी 2020 में 100% निकाले थे, मतलब दोनों उन्होंने मैनेज किया था, एमएसटीसीटी और जेई दोनों। तो उनका नाम है प्रसाद कुकड़े। तो प्रसाद, आपका स्वागत है हमारे इस इजी कंसेप्ट ओला चैनल पे। थैंक यू सो मच। ओके प्रसाद, सो प्रसाद सबसे पहले तुम ही तुम्हारा एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे दो और उस इंट्रोडक्शन में आप प्लीज़ आपके 10th 12th आपका एमएसटीसीटी का स्कोर, जेई मेंस एडवांस ये सब आप बता सकते हो, तो वो सारे इंट्रोडक्शन में आप बताओ प्लीज़। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रसाद कुकड़े। आई एम करंटली स्टडिंग इन आईआईटी भुवनेश्वर एंड माई ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस। So I have got 196 marks in CET out of 200, in which my score in physics was 49 out of 50, in chemistry it was 47 out of 50, and in maths I got 100 out of 100. In mains my rank was 1673, and in advanced my rank was 2038. ओके प्रसाद, तो तुम्हारे जो मार्क्स परसेंटाइल्स है वो टॉप लेवल के हैं और तुमने एमएसटीसीटी में खास करके 100% निकाले थे, मतलब कि तुम टॉप 10 में स्टूडेंट में आते हो। तो सबसे पहले ये पूछूंगा कि तुमने एमएसटीसीटी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, मतलब आई थिंक तुमने पूरा का पूरा जो जी है जी पर ध्यान दिया होगा, लेकिन स्टार्ट कब से किया था एक्चुअल में, 10th से या फिर 11th से? वेल फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरा जो फोकस था मेनली वो मेंस और एडवांस इन्हीं एग्जाम्स पे था, तो मैंने उतना फोकस सीईटी पे किया नहीं वैसे मेरे हिसाब से, पर रेगुलरली जिस मतलब जब सिलेबस ख़त्म होते आ रहा था तब मैंने जो सीईटी के प्रीवियस ईयर्स पेपर से उसकी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था मेरा वैसे, तो उसी प्रैक्टिस को मैंने कंटिन्यू किया बाद में भी, और फिर उसके साथ ही मैंने एग्ज़ाम दी तो एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया। मतलब तुम्हारा पूरा जो फोकस है वो जेई पर था, राइट? हाँ, मेंस और एडवांस पर, और साथ ही साथ तो बिट सेट और केवीपीवाई जैसे एग्जाम्स पे भी। ओके, तो देखो एमएसटीसीटी स्टूडेंट के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो उनके कमेंट्स ये आते हैं कि ज़्यादा फोकस एमएसटीसीटी पे करे या फिर जेई पर करे, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके सामने होता है, तो तुम उन्हें क्या गाइड करोगे? देखो, जेई के लिए फोकस करना मतलब जेई, अब सभी को पता ही है कि जेई की जो लेवल है मेंस और एडवांस दोनों की वो सीईटी से ज़्यादा होती है और उसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कभी कभी आपको परसेंटेज अच्छे मिलते हैं फिर भी आपको कॉलेज उतनी अच्छी मिल नहीं पाती। सो बेसिकली वो आपको चूज़ करना होता है कि आप किस में अच्छा कर सकते हो। मोस्टली जो है सीईटी की लेवल ईजी रहती है, उसमें स्कोप भी काफ़ी रहता है कॉलेजेस में, तो अगर आपको लगता है कि मतलब आपको उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो आप, तो आप सीईटी पर अपना पूरा फोकस कर सकते हो, पर अगर आप मेंस और एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसका उसका आपको सीईटी में ज़रूर फ़ायदा होगा और आपको सीईटी उसके लिए मत काफ़ी इजी लगेगी उसके सामने, ये तो मेरा क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है। और जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो साथ में एमएसटीसीईटी की हो जाती है ऐसा कहते हैं, तो इस पर क्या कहना है तुम्हारा? हाँ, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इसको, क्योंकि ये वही मैंने कहा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने मेंस और एडवांस पे ही पूरा फोकस किया था और उसके मतलब उसके पैरेलल में जस्ट मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा था और फिर उसके बेसिस पर जब मैंने सीईटी दी तो उसका मुझे काफ़ी ईजी लगी वो, मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए थे अब तक उसमें से, और वही और बस उसमें थोड़ा एक्यूरेसी पर ध्यान दिया मैंने तो फिर अच्छा स्कोर आ गया उसमें। तो और एक बात कि देखो ऐसा कहते हैं कि जो स्टूडेंट जेई का पूरा फोकस करके वहाँ पर बहुत सारा स्टडी करते हैं, मेंस का करते हैं एडवांस का करते हैं, तो वो सीईटी ऐसे ही दे देते हैं, मतलब कि उनको ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, ये ऐसा कहा जाता है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, आप बिल्कुल मतलब कुछ भी प्रिपेयर नहीं करके जाओगे तो थोड़ा आपको मुश्किल आ सकती है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है उसकी, आपको वो एग्ज़ाम अगर आपके क्वेश्चंस भी मतलब सेम रहे फिर भी उसका पैटर्न अलग रहा तो थोड़ा जो स्ट्रेटेजी रहती है एग्ज़ाम में एग्ज़ाम सॉल्व करने की उसमें फ़र्क पड़ता है, तो इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहा था उसके पैटर्न से हैबिचुअल होने के लिए, और इसलिए बाकी जो पढ़ाई का जो मतलब बात है वो तो मेरा पहले हो चुका था मेंस और एडवांस की पढ़ाई करते वक्त, तो फिर इसलिए
और इसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी भी सारी रेडी थी, तो इसलिए फिर बाद में पेपर के टाइम में मुझे प्रॉब्लम नहीं गया। तो इसलिए अगर आप बोलते हो कि एडवांस की मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करते हुए सीईटी हो जाता है, तो काफ़ी हद तक वो सही है। बस आपको उसके जो पेपर्स है वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि आपको आदत हो जाए उसके पैटर्न की, और आपको उसमें फिर कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है उसकी आपको आदत हो जानी चाहिए। यस, जेई का प्रिपरेशन करते हुए तुमने एमएसटी सीईटी के लिए क्या एफर्ट्स लिए थे, या फिर क्या कुछ तुमने प्रिपरेशन की थी स्पेसिफिकली एमएसटी सीईटी के लिए? हाँ, एमएसटी सीईटी के लिए मेन तो सबसे पहली बात होती है कि एमएसटी सीईटी में स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो स्टेट बोर्ड की बुक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसमें से जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो साथ ही साथ जब मैं जेई की पढ़ाई कर रहा था, तब मतलब मेरा स्टेट बोर्ड था, तो इसलिए मैं स्टेट बोर्ड की भी पढ़ाई कर ही रहा था, और उसमें से सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ ही लिए थे। और तो बस जब सीईटी दे मतलब सीईटी का टाइम था, तब तो उस सबको और अच्छे से मैंने प्रिपेयर कर लिया, अच्छे से सारे जो बुक्स थे वो पढ़ लिए थे, और उसमें से मेन पॉइंट्स तो पहले ही बोर्ड्स के टाइम ही हाईलाइट कर लिए थे, उसको एक बार रिवाइज कर लिया, और फिर उस तैयारी से मैंने एग्ज़ाम दिए। एक परफेक्ट स्टडी प्लान क्या बताओगे? मतलब कि तुमने जेई के लिए प्रिपरेशन किया था, लेकिन साथ में एमएसटी सीईटी के लिए एक परफेक्ट स्टडी प्लान क्या बताओगे? मतलब स्टडी प्लान मतलब एक डेली कैसे स्टडी किया जाए उसका प्लान, या फिर तुम जो पूरा साल में तुमने कैसा कुछ प्लानिंग किया था स्टडी के लिए? सो मेरा डेली प्लान तो ऐसा था कि हमारे कोचिंग में ही मैक्सिमम टाइम होता था, उसमें हम कोचिंग में ही 9 आवर्स रहते थे, उसमें से 3 घंटे जो है वो लेक्चर्स रहते थे, और बाकी 6 घंटे हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग चलती थी। तो मैक्सिमम जो सॉल्विंग का पार्ट है वो तभी हो जाता था उसमें, और उसके बाद घर आने के बाद में जो भी टॉपिक्स पढ़ाया है दिन भर में उस सब की रिविज़न करता था, ताकि फिर अगले दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम उससे कोई तकलीफ नहीं जाती थी। तो ये जो था ये मेरा डेली प्लान रहता था, और बाकी संडेज को वैसे हमारी टेस्ट रहती थी, या फिर नहीं भी रही तो भी मैं खुद से कोई टेस्ट देता था। तो इस तरह से मतलब जितनी भी एग्ज़ाम्स की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, वो सारी की एक एक टेस्ट में दे रहा था कंटिन्यूसली, हर वीक को 1 या 2 दिन। तो इस हिसाब से साल भर का पूरा प्लान था, और बाकी यही रिविज़न तो चलती रहती थी फिर। हाँ, तो कोचिंग के बारे में आप तुम बोल रहे थे, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स कोचिंग जा नहीं पाते, तो वो एक सवाल होता है कि जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते तो वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? हाँ, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी कोचिंग नहीं जाते हैं, या फिर फिलहाल कोविड की वजह से काफ़ी सारे कोचिंग्स बंद है। ऐसे में घर रहकर स्टडी करना पॉसिबल है बिल्कुल, पर यही है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कोचिंग में अगर जाते हो और उस समय अगर कभी आपको लगता है कि मतलब नहीं, मैं काम नहीं कर सकता, और अभी तो जब आप आपके फ्रेंड्स के देखते हो कि आपके फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर उनको देख के आपको इच्छा होती है कि नहीं, मतलब मुझे भी काम करना चाहिए। ये अक्सर कोचिंग में रहता है, घर में रहकर वो जो मोटिवेशन है वो कभी कम हो सकता है, पर अगर आप उतने सेल्फ मोटिवेटेड हो अपने खुद से, तो आप ज़रूर घर में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हो। तो वही टाइम जो है 6 घंटा, अगर कोचिंग में मैंने कहा कोचिंग में 6 घंटा दे रहा था, तो वही काम आप घर में 6 घंटा भी पढ़ाई कर सकते हो बैठकर, तो इसलिए वो भी पॉसिबल है। स्पेसिफिकली एमएसटी सीईटी के लिए बात करेंगे, तो जो एमएसटी सीईटी के लिए पीवाईक्यूज या फिर मॉक टेस्ट रहते हैं, तो तुमने पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व किए थे क्या? एमएसटी सीटी के लिए मॉक टेस्ट यानी वही जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो तो किए हैं मैंने सॉल्व, और मतलब प्रीवियस ईयर के तो किए हैं, और फिर जो मॉक टेस्ट होती थी वो भी मैंने उसकी प्रैक्टिस की, क्योंकि उसी से ही ज़्यादा हेल्प मिली थी मुझे उसके पैटर्न के समझने के लिए, और उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। तो तुमने ये मैनेज कैसे किया था दोनों एग्जाम्स का? वो एक कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, उसके बारे में बताओ। ये दो एग्ज़ाम्स के लिए कुछ नहीं, अब जैसे कि बात ऐसी आती है, अगर आपको जेई के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको एनसीईआरटी रेफ़र करनी होती है, क्योंकि जेई मेंस के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारी मतलब वो जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं, और सीईटी के लिए आपको स्टेट बोर्ड की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वही जो टाइम है मैं वही करता था, उसमें प्रॉपर टाइम डिवीजन से जो है मैं आधा टाइम में जेई के लिए पढ़ाई के लिए देता था, और आधा टाइम बोर्ड्स के लिए, और बोर्ड्स के लिए जब पढ़ता था तो उसके साथ साथ स्टेट बोर्ड्स की भी पढ़ाई हो जाती थी, सॉरी उसके साथ साथ सीईटी की भी पढ़ाई हो जाती थी, फिर उससे मैंने उसका टाइम मैनेजमेंट किया।
मतलब हम कह सकते हैं कि आप जेई के लिए पढ़ाई करते हो तो साथ में सीईटी की भी प्रिपरेशन हो सकती है, लेकिन उसका आपको ठीक से मैनेजमेंट करना आना चाहिए। हाँ, बराबर। हाँ ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि वो पूरी तरीके से एमएसटी सीईटी पे फोकस करते हैं, तो वो भी सही है, लेकिन जो स्टूडेंट दोनों एग्जाम देना चाहते हैं एमएसटी सीईटी और जेई, तो वो मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि अभी प्रसाद ने आपको बताया। प्रसाद, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें मैं ये पूछूंगा कि सीईटी एग्जामिनेशन में, एमएसटी सीईटी में जो एक्चुअल में तुम एग्जामिनेशन में गए थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, और जो टाइम मैनेजमेंट रहता है एमएसटी सीईटी में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत होते हैं यार, टाइम कम, तो ये टाइम मैनेजमेंट तुमने कैसे किया था, एग्जाम टाइम मैनेजमेंट? सो जब मैं एग्ज़ाम के लिए गया था सीईटी के, काफ़ी हद तक रिलैक्स था क्योंकि आईटी के एडमिशन तो शुरू हो चुकी थी, पर फिर भी थोड़ा एक एग्ज़ाम का जो टेंशन रहता है वो था। पर जो आज जाने से पहले मेरी स्ट्रेटेजी फिक्स थी कि 90 क्वेश्चंस मतलब 100 क्वेश्चंस रहते हैं, सॉरी 200 क्वेश्चंस, 90 मिनट्स में फर्स्ट पार्ट रहता फिजिक्स केमिस्ट्री और 90 मिनट्स में सेकंड पार्ट रहता। तो पहले पार्ट के लिए मैंने यही किया कि फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, फिजिक्स से ही स्टार्ट किया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से। उसमें से सॉल्व करते वक्त जो क्वेश्चन आ रहे थे उनको सॉल्व कर दिया। न्यूमेरिकल में अगर कोई क्वेश्चन लेंदी लगा तो उसे स्किप कर दिया मैंने। एक बार पूरा सॉल्व करने के बाद फिर से जो स्किप किए थे क्वेश्चन वो सारे सॉल्व किए, और फिर लास्ट में एक बार चेक किया पूरा पेपर ताकि कहीं कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा पहले पेपर में थोड़ा टफ गया, बट एट द एंड ऑफ द टाइम मैंने पूरा पेपर चेक कर लिया था और अच्छे से चेक करके कंफर्म करके मैंने सबमिट कर दिया। फिर जो सेकंड पेपर था उसमें 90 मिनट्स थे हाथ में और 50 क्वेश्चंस ही रहते, सो उसमें काफ़ी सारा टाइम रहता, जिसमें मैंने पहले एक बार पूरे सारे क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व किए, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस को चेक किया मैंने अच्छे से, और फिर जो क्वेश्चंस बचे थे उनको सॉल्व कर दिया। सो मे बी वहाँ पर टाइम की कमी नहीं पड़ी क्योंकि उसके बाद भी मेरे पास 10 मिनट बाकी थे पूरा चेक होने के बाद, तो उसके लिए इसलिए फिर उसमें मैथ्स में फुल मार्क्स मिले मुझे। टॉपर स्टूडेंट्स कोई भी इंटरव्यू के लिए आता है चैनल पे, तो मैं इनको हर बार एक क्वेश्चन पूछता हूँ इम्पोर्टेंट, कि जो आपको मतलब कि तुम्हें लगते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, वो अगर बता सकते हो तो आप प्लीज़ बताओ। सो फिजिक्स में कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें जो न्यूमेरिकल है उसमें अभी सीईटी की अगर हम बात करते हैं तो सीईटी में ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आते नहीं हैं। अगर आप फिजिक्स के स्टेट बोर्ड के एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम अच्छे से करके जाते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। बस उसमें मेन जो है वो रोटेशनल मोशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो चैप्टर्स है ये अच्छे से करके जाओ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत जाती है। इसके जो न्यूमेरिकल्स है थोड़े मतलब वैसे तो इजी रहते हैं बट थोड़े ट्विस्ट करके पूछते हैं एग्जाम में, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इन ये टॉपिक्स पर थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। और जो कंसेप्चुअल में जो लास्ट के टॉपिक्स है जैसे सेमी कंडक्टर हो या फिर कम्युनिकेशन हो, ये जो चैप्टर्स है इस पर बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ये अच्छे से करके जाओ क्योंकि शायद मुझे मैंने आंसर की चेक की थी उससे याद है जो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है फिजिक्स में वो इसी में से था, कम्युनिकेशन में से। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स है इसको थोड़ा अच्छे से आप रिवाइज कर लो। फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें अब पता है कि तीन टॉपिक्स रहते हैं, मतलब तीन पार्ट्स में रहता है केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वो थोड़ा लेंदी रहता है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा रहते हैं उसमें, पर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है वही पार्ट रहता है क्योंकि उसमें बस आपको डेटा दिया हुआ है, फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। पर स्टूडेंट्स को खास करके दिक्कत जाती है इनऑर्गेनिक के टॉपिक में क्योंकि वहाँ पर आपको आप कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते उसमें डायरेक्ट, आपको आपने अगर वो चीज़ पढ़ी हुई है और अगर आपको याद आती है तो ही आप उसको आंसर कर पाओगे, और नहीं तो आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे, आपका क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए इनऑर्गेनिक की तैयारी करते वक्त आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और मतलब जो बड़े बड़े जैसे पी ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक जैसे चैप्टर्स है उस पर अच्छे से ध्यान दो, उसको बार बार पढ़ते जाओ क्योंकि एक बार पढ़ने से तो इतने बड़े टॉपिक है वो नहीं रहते आज, उसको इवन कितनी भी बार पढ़ो कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं उसमें, पर उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा।
बात कर रहा था फिजिकल की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स हैं, इनमें अच्छे से ध्यान दो क्योंकि काफ़ी वास्ट है चैप्टर्स और इनमें फॉर्मूलेस भी बहुत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं पर पूछते हैं। सीईटी के लिए तो काफ़ी, सीईटी और मेंस के लिए भी थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं, पर फिलहाल सीईटी के लिए तो वही मैंने कहा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वही काफ़ी है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी लोगों को लगता है कि उसमें भी इनऑर्गेनिक की तरह रिएक्शंस लर्न करनी होती है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको मैकेनिज्म समझना होता है रिएक्शन का, क्योंकि हमेशा आपको डायरेक्ट बुक की रिएक्शन नहीं आ सकती, आपको मैकेनिज्म थोड़ी अलग ट्विस्ट करके वो सेम क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो आपको अगर मैकेनिज्म पता होगा तो आपको क्वेश्चन आएगा, और साथ ही साथ मैकेनिज्म पता होंगे तो आपको वो जो रिएक्शन है वो लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इस तरह से आप ऑर्गेनिक के चैप्टर्स, और वैसे इंपॉर्टेंट तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सारे ही इंपॉर्टेंट है, वही जो एंड के टॉपिक्स है जैसे बायो मॉलिक्यूल्स है या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जैसे जो टॉपिक है उनको, इनकी तरफ अच्छे से ध्यान दो क्योंकि इनके भी काफ़ी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स तो वैसे मुझे तो बहुत इजी जाता था, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो इसलिए उसमें ज़्यादा वैसे दिक्कत गई नहीं, बट स्पेशली जो है इंटीग्रेशन और जो कैलकुलस के मोस्टली प्रॉब्लम्स है उस पर अच्छे से ध्यान देना होता है क्योंकि उसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, इवन सीईटी में भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ जो थ्री डी ज्योमेट्री है वो थ्री डी ज्योमेट्री भी अच्छे से करना होगा क्योंकि उसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस सीईटी में भी पूछे जाते हैं। 11th के चैप्टर्स रहते हैं, तो एमएसटी सीटी में 11th के बारे में क्या बताओ, क्या बताओगे? जहाँ तक कि मैंने देखा 11th का ज़्यादा मतलब कोर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो 12th के और स्टेट बोर्ड के इस पे ही पूछे जाते हैं। सो अगर आप 12th स्टेट बोर्ड भी करते हो तो भी आपको आपकी बहुत सी प्रिपरेशन हो जाएगी, 11th का वैसे ज़रूरत नहीं है, पर कभी कभी अगर आपका ये तो है कि अंडरस्टूड है कि 11th का भी आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आ रहा होगा तो भी आप तो ही आप 12th का 12th के जो एक क्वेश्चन है उसके मतलब 11th में बेसिक रहता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिर कोई और है तो उसके बेसिक 11th में रहते हैं, तो इसलिए आपको 11th अगर अच्छे से करके जाओगे तो ये भी क्वेश्चन हो जाएंगे। और जहाँ तक कि मैंने देखा है कि 11th के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में वो 12th के और स्टेट बोर्ड के ही आते हैं मैक्सिमम, पर अगर वो 12th के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि आपके 11th के जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपके सारे क्लियर है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही काफ़ी 12th के जो कुछ टॉपिक्स है तो वो 11th के बेसिस पर ही है, तो इसलिए अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं तो आप 11th को 11th के जो टेक्स्ट बुक है उसको रेफ़र कर सकते हो, पर मोस्टली फोकस करते हो तो आप 12th पे ही फोकस करो, मगर कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि मैंने देखे कि वो 12th की बुक में कहीं भी नहीं थे, और जो मतलब जो मैंने सॉल्व किए थे खास करके केमिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए मेरे पेपर में कि जो पूरे स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं थे, या फिर जो भी मैंने हायर बुक्स भी रेफ़र की उसमें भी क्वेश्चन नहीं थे, उतने वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सो बट बहुत रेयर केसेस है, मोस्टली तो 12th के स्टेट बोर्ड पे ही आते हैं। तुम्हारा बोर्ड कौन सा था? 12th बोर्ड। स्टेट बोर्ड ओके, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को क्या गाइड करोगे बोर्ड प्रिपरेशन के लिए? प्रिपरेशन के लिए अभी आप सभी ने 10th में 10th की एग्ज़ाम दी है आप सभी ने, तो आपको एक्सपीरियंस है 10th के कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑलमोस्ट 12th के एग्ज़ाम्स भी ऐसे ही होते हैं एग्ज़ाम्स तो, पर उसके जो सिलेबस है 12th का वो 10th से थोड़ा हार्ड होता है, और उसमें इसलिए आपको हमेशा मतलब 10th में मे भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि रट्टा रहता है, आपको बस लर्न करने पड़ते हैं और वो लिखने पड़ते हैं, 12th में मोस्टली ऐसा नहीं रहता, क्वेश्चंस आपको जो है वो पार्ट को डेफिनेशंस तो वैसे की वैसी लर्न करनी होती है, पर बाकी जो पार्ट है वो समझना होता है और उसको अपने मन से आपको एक्सप्रेस करना होता है 12th बोर्ड में, इसलिए थोड़ा बोर्ड जो है 12th का 10th से हार्ड होता है, पर अगर आपको आप अगर ये सारी स्टडीज कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो चुके हैं, तो बस थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड थोड़ा आप लर्न करोगे तो आपका 12th बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो जाएंगी। जेई मेंस के लिए और एडवांस के लिए क्या टिप्स दोगे तुम?
ओके सो जैसे कि मैंने अभी कहा था जेई मेन्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन्स में। वैसे स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी में उतना डिफरेंस होता नहीं है, बट स्टेट बोर्ड में जो है मैंने ऑब्जर्व किया है जहाँ तक कि स्टेट बोर्ड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और कंटेंट जो है वो अच्छे से काफ़ी एक्सप्लेन किया होता है, जहाँ कि एनसीईआरटी में सेम चीज़ को काफ़ी कम लाइंस में एक्सप्लेन किया है। तो वैसे उतना ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, पर मतलब बेटर है कि आप वही जेई के लिए एनसीईआरटी को ही रेफ़र करो क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक्स है वही बेटर है। साथ ही साथ अगर आपको और मतलब प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए जैसे फिजिक्स में बुक्स आती है, मैं रेफ़र करता था स्टार्टिंग में यूनिवर्सल की बुक्स आती है फिजिक्स और मैथ्स में, उसमें जो कंसेप्ट है सारे चैप्टर्स के काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और उस पर क्वेश्चंस भी इजी लेवल टू हार्ड लेवल सारे अच्छे से दिए हुए हैं, तो वो बुक्स रेफ़र कर सकते हो। फिजिक्स के लिए एससी वर्मा है या फिर केमिस्ट्री में मॉडर्न एबीसी करके बुक है, ये सारी बुक्स भी आप रेफ़र कर सकते हो जेई के लिए। तो ये तो हो गया मेंस की तैयारी, और साथ ही साथ प्रैक्टिस रखो एमसीक्यू को सॉल्व करने की। और अगर एडवांस की बात करते हो तो एडवांस में जो है क्वेश्चंस उतने इजी लेवल के नहीं रहते हैं, उसमें बेसिकली जो है उसका डिफ़िकल्टी जहाँ तक जितनी क्वेश्चंस में रहती है उतनी उसकी पैटर्न में भी रहती है। उसमें सिंपल एमसीक्यू मतलब चार ऑप्शन दिए हैं एक सिलेक्ट करना यही नहीं रहता, उसमें अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं, कभी इंटीजर करेक्ट रहता है या फिर रियल नंबर टाइप रहता है जिसमें आंसर लिखना होता है डायरेक्टली, या फिर मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चंस रहते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उस पर भी उसकी डिफ़िकल्टी डिपेंड करती है। सो बेसिकली उसके लिए तो वो जो पैटर्न है उसकी प्रैक्टिस के लिए तो आपको उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें, किस तरह से पूछे जा रहे हैं। और उसकी पढ़ाई के लिए वैसे तो कंटेंट यही रहता है, जो भी आप पढ़ रहे हो यही यूज़फुल रहता है, उसके जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए रहते हैं एडवांस में तो वो एक कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन नहीं पूछते, एक क्वेश्चन में तीन चार कंसेप्ट डालते हैं अलग अलग चैप्टर से, उस सारे का यूज़ करके आपको फाइनल आंसर निकालना होता है। तो इसलिए एक तो पहली बात आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और इस पर जो है आपकी प्रॉब्लम्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, तो मेन तो यही बात है। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की, क्योंकि अगर आप सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव्स पर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, पर एडवांस के लिए सिर्फ वही काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब जब तक आप सब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करोगे आपके एडवांस के लिए कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। ओके तो एक कमेंट मैंने रिसीव की थी, मतलब कि कम्युनिटी पोस्ट में आई थी, कि कंसेप्ट तो सारे क्लियर है, इन डेप्थ तो वो कंसेप्ट क्लियर किए हैं, लेकिन फिर भी जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसके रिगार्डिंग क्या बताओगे तुम उन स्टूडेंट को? मैं यही बताऊंगा कि जो है मैंने वही कहा कि डायरेक्टली जो है एडवांस लेवल मतलब पेपर के अगर क्वेश्चंस डायरेक्टली मत जवाब, पहले मैंने वही कहा कि जो आप सब्जेक्टिव की कोशिश करो सबसे पहले, जो इजी लेवल के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कुछ बुक्स में आपको वैसे मिल जाएंगे, तो आप पहले तो प्रैक्टिस करो सब्जेक्टिवली सॉल्व करने की, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिवली सॉल्व करोगे मतलब क्वेश्चन दिया है वर्ड्स में उसके ऑप्शन नहीं है फिर भी आप सॉल्व कर रहे हो, और उससे अगर आप क्वेश्चन इजी भी क्वेश्चन बना रहे हो तो भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर उसके बाद आप ट्राई करो एडवांस के क्वेश्चन बनाने की, ताकि फिर उसमें अगर आपको क्वेश्चन भी मतलब उसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ाई जाएगी तो भी आपको क्वेश्चन अच्छे से आएंगे, क्योंकि मैंने वही कहा एडवांस में जो है वो डिफ़िकल्टी जितनी क्वेश्चन में रहती है उतनी उसकी पैटर्न में रहती है, पूछने के तरीके में रहते हैं, इसीलिए उसके लिए प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है, पर विदाउट ऑप्शन जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो और इजी से स्टार्ट करो, ज़्यादा हार्ड पर शुरुआत में मत जाओ, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपके जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बढ़ती जाएगी और फाइनल में फिर आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे उसके। और एक कमेंट मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा कि कमेंट ऐसे थी कि सीबीएसई स्टूडेंट्स कई सारे एमएसटी सीईटी देते हैं, तो मतलब उनकी प्रिपरेशन करते हैं सीबीएसई स्टूडेंट, हमारे एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उन स्टूडेंट को क्या सजेशन दोगे? ऐसी वो कमेंट थी, तो उसको क्या आंसर करोगे आप? अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी ली होगी, पर खास करके मैं कहूँगा कि सीईटी के लिए आप स्टेट बोर्ड के बुक्स को रेफ़र करो।
अब उसके वैसे बुक्स तो मतलब मिल ही जाएंगी, उसका कोई वो नहीं, ऑनलाइन भी अवेलेबल में भी हो सकते हैं, पर स्टेट बोर्ड को रेफ़र करो, क्योंकि वही मैंने अभी जो कहा था, डिफरेंस ज़्यादा होता नहीं है, पर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट स्टेट बोर्ड के बुक्स में है और थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए क्वेश्चंस जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होगा, तो उसके आंसर आपको एनसीईआरटी में शायद नहीं मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए एक बार आपको स्टेट बोर्ड को रेफ़र करना होगा। बट अगर आपके मतलब वही जो है कंसेप्ट आपने सारे पढ़ लिए हैं एनसीईआरटी से, तो उतना आपको वक्त नहीं लगेगा वो सब पढ़ने के लिए, बट एक बार एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर उस स्टेट बोर्ड की बुक्स को रेफ़र करो, क्योंकि सीईटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेट बोर्ड से ही, स्टेट बोर्ड को ही रेफ़र करके आते हैं, इसलिए। एमएसटी सीडी और जेई के लिए कौन कौन से बुक्स तुमने यूज़ किए थे वो बताओ, मतलब कि एमएसटी सीडी के लिए कौन कौन से और जेई के लिए कौन कौन से, वो सेपरेट से बताओ। मैंने सेपरेटली तो बुक्स नहीं पढ़ी थी, जैसे कि मैंने कहा मेंस और एडवांस के लिए मैं पढ़ रहा था, तो उसका ही मतलब बेनिफिट जो है मुझे सीईटी के लिए हुआ। तो जो बुक्स मैंने पढ़ी थी वो यही है कि मैथ्स और फिजिक्स की एररलेस करके बुक्स आती है, जिसमें काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन किया है, और क्वेश्चंस भी अच्छे मतलब इजी टू हार्ड अच्छे लेवल के हैं। और फिजिक्स में जो है एचसी वर्मा करके बुक आती है, उसमें सारे उसमें भी सभी कंसेप्ट अच्छे से और थोड़े हाई लेवल के प्रॉब्लम्स है, तो वो अगर आप पढ़ते हो तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री में मॉडर्न एबीसी करके बुक आती है, अगर वो भी आप लेते हो तो उसमें भी जो सारी कॉन्सेप्ट्स है उसको और ब्रीफली एक्सप्लेन किया और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है उसमें, तो अगर आप उसको रेफ़र करते हो तो थोड़ा और आपका केमिस्ट्री में नॉलेज बढ़ेगा और थोड़ा और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस होगी, और उस बुक में प्रीवियस ईयर की भी प्रॉब्लम्स का सेट है, तो वो भी आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस वही बुक्स हैं। मैथ्स के लिए तो मैंने ज़्यादा बुक्स यूज़ नहीं किए थे, जो मटेरियल था मैंने उसी से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि प्रसाद ने जेई के लिए प्रिपरेशन किया था, जेई मेंस और एडवांस के लिए, और साथ में ही उसके साथ उसकी एमएचटी सीट की भी तैयारी हो रही थी। तो आप अगर प्रॉपर एफर्ट्स और प्रॉपर मैनेजमेंट करते हो और आपकी उतनी मतलब प्रिपरेशन लेवल है, तो दोनों एग्ज़ाम आप अच्छे से क्रैकआउट कर सकते हो। तो इसीलिए इसके भी बाद आपको कोई डाउट आता है तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हूँ प्रसाद हूँ, हम ट्राई करेंगे जितना होता है आपको कमेंट सेक्शन में भी आंसर करेंगे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। तो ये जो क्वेश्चन मैं अभी पूछ रहा था वो मैंने कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाली थी, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछो ऐसी पोस्ट डाली थी, तो वही पोस्ट में से क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ प्रसाद। तो कई क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब कुछ भी स्टडी नहीं हुआ तो क्या करें, ऐसे भी क्वेश्चन थे, तो उनको क्या गाइड करोगे तुम? तो उसको फिलहाल तो मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक नहीं की है कोई मतलब तैयारी नहीं की है, तो भी जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम है तो आपके हाथ में काफ़ी सारा समय है, आप उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हो। अगर आप रोज़ एक फिजिक्स का चैप्टर, एक मैथ्स का चैप्टर और केमिस्ट्री का इवन हाफ चैप्टर भी करते हो हर रोज़ अब से, तो 1-1.5 महीने में आपका पूरा जो है मतलब स्टेट बोर्ड के टॉपिक्स है वो पूरा रिवाइज करना हो सकता है, और अगर उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो तो लगभग सीईटी के टाइम तक आपकी सारी प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से टाइम बहुत है और सीईटी शायद उसकी डेट अभी तक आने की है, तो टाइम बहुत है वैसे अभी आपके हाथ में, बस वही डिपेंड करता है आप मैनेजमेंट कैसे करते हो और उसको यूटिलाइज कैसे करते हो। अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो तो आप एग्ज़ाम तक काफ़ी कुछ मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही आप कंप्लीट कर सकते हो। इसी के रिलेटेड एक कमेंट ऐसी भी थी कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसा आपके साथ में हुआ था और ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? ये जो बैच है इनकी कंडीशन भी हमारी जैसी ही है, हमारा भी ऐसा ही था कि मार्च में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था और फिर तब स्टार्टिंग में जो है कि ऐसा लगा कि ख़त्म हो जाएगा जल्दी, तो इसलिए थोड़ा पढ़ाई में एक्साइटमेंट थी, पर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते गया फिर एक्साइटमेंट थोड़ी कम होती गई, और बाद में ऐसा हुआ था कि मतलब थोड़ा पढ़ाई का जो रेट है वो मेरा भी कम हो गया था, पर मेन बात यही रहती है कि आप पढ़ाई छोड़ मत देना पूरी तरह से, उससे कनेक्टेड रहो, हर रोज़ रिवाइज करते रहो, भले ज़्यादा अगर आप मतलब नहीं हो पा रहे तो ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत करो, पर
कनेक्टेड रहो पढ़ाई से, आप पढ़ाई करते रहो, हर रोज़ कोई एक चैप्टर रिवाइज करो, या फिर कोई प्रीवियस ईयर किसी SAT का या मेंस का कोई प्रीवियस ईयर पेपर दे के देखो, या कोई उसका प्रैक्टिस पेपर दे के देखो, या फिर किसी अगर मैकेनिक्स का टॉपिक है या फिर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का टॉपिक है उसे रिवाइज करो, पर हर रोज़ रिवाइज करते रहो। अगर आपकी लिंक टूट जाएगी पढ़ाई से तो फिर बाद में आपको उसको कवर अप करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। रिवीजन करना उतना ठीक नहीं, मतलब आप उतना नहीं कर पाओगे बाद में, पर अगर आप कंटिन्यूली काम करते हो तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी डेट आती है आपको बेसिस मतलब बेसिकली मेंस की हो या फिर CET की हो, उसको फाइनल मानकर आप प्रिपेयर करो। आप इसकी ये जो बात है कि उसका वेट मत करो, आपकी इस उम्मीद पर मत रहो कि ये एग्ज़ाम अभी हाँ पोस्टपोन हो सकती है तो ठीक है इसलिए रिलैक्स हूँ मैं, तो ये एटीट्यूड मत रखो। जो भी डेट दी है उसको फाइनलाइज करके अगर आप पढ़ाई करते रहोगे तो आप में कॉन्फिडेंस उतना रहेगा। ठीक है, तो आप तुम IIT में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो, तो एक तुम अभी IITian हो जो कि सभी एस्पिरेंट्स का सपना होता है, तो IIT भुवनेश्वर और IIT में आप स्टडी कर रहे हो, तो उसके बारे में प्लीज़ हाँ बताओ। अभी IIT में एडमिशन लिया तो बहुत अच्छा लगा, वो भी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिला है तो। पर वही जो IIT का असली मज़ा होता है कि वहाँ के कैंपस जो होते हैं वो लाइफ एंजॉय करने को नहीं मिल रहा है इसकी वजह से। पर अभी फिर भी जो ऑनलाइन शुरू है, पिछले नवंबर से ऑनलाइन सेमेस्टर शुरू हुआ है हमारा, पर उसके बाद काफ़ी कॉलेज लाइफ में वैसे जो भी है ऑनलाइन में भी है पर काफ़ी फन हो रहा है, नए नए फ्रेंड्स मिले, काफ़ी सारे क्लब्स में ज्वाइन हुआ हूँ मैं। और वैसे पढ़ाई तो रेगुलर शुरू ही है, पढ़ाई और एग्ज़ाम्स, पर साथ ही साथ ये सारी चीज़ें में भी मज़ा आ रहा है। तो एक ऑनलाइन लाइफ का भी अभी अलग फीलिंग आ रही है फिलहाल, पर उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द कैंपस खुले और हमें फिर वो लाइफ भी एंजॉय करने को मिले। MSTCT और JEE सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ तो स्टूडेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहो, ये 2 साल जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। इस 2 साल में बहुत मतलब कड़ी मेहनत से आप पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, और साथ ही साथ सिर्फ हार्डवर्क नहीं आपको स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत लगेगी ये सब करने के लिए। और जब भी आप एग्ज़ाम दोगे बहुत काम माइंड से एग्ज़ाम दो, ज़्यादा टेंस मत हो जाओ, ज़्यादा जितने टेंस आप होगे उसका रिजल्ट पर आपके असर पड़ सकता है, इसलिए काम माइंड से एग्ज़ाम दो और पूरी स्ट्रैटेजी फाइंड, अपनी जो एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करके जाओ एग्ज़ाम के पहले कि आपको कैसे सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर एक्यूरेसी से हर एक पेपर को अच्छे से सॉल्व करो, और बस सेल्फ मोटिवेटेड रहो हमेशा, जितना आप मोटिवेटेड रहोगे उतना काम करोगे और उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो प्रसाद, तुमने आप तुम्हारा टाइम निकाला और जो हमारा पूरा ऑडियंस है इजी कंसेप्ट वाला जाने का, उन सारे स्टूडेंट्स को तुमने यहाँ पे गाइड किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुमने टाइम निकाला हमारे लिए, तो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू प्रसाद। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा तुम्हारे साथ वीडियो बनाकर। ओके, थैंक यू प्रसाद। तो फिर से मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहूँगा, अगेन थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। वेरी ऑल द बेस्ट।